नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं बेस्ट गूगल कैमरा एंड यहाँ पर जो है बेस्ट XML फाइल के बारे में। तो यहाँ पर हमने Redmi डिवाइस के ऊपर जो है गूगल कैमरा का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। ये जो GCam का जो बिल्ड है तो GCam 8.1 का बिल्ड है। गूगल कैमरा 8.1 का जो बिल्ड है तो काफी ज्यादा स्टेबल है एंड बहुत सारी डिवाइस के ऊपर ये जो GCam का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। प्लस बहुत सारी डिवाइस के लिए ये जो GCam 8.1 का जो XML फाइल जो है अवेलेबल है। यहाँ पर हमने Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर जो गूगल कैमरा 8.1 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। BSG करके डेवलपर की तरफ से ये जो GCam का जो बिल्ड है अवेलेबल है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है इस गूगल कैमरा प्लस XML फाइल के साथ जो है क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, किस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो GCam है इसका डाउनलोडिंग प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस यहाँ पर जो है Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए जो XML फाइल है प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर जाके आप जो है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए XML फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास और कोई डिवाइस तो आप सिंपली गूगल में सर्च कर लो, वहां पर आपको देने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते किस तरह से GCam 8.1 के साथ जो है पर XML फाइल को इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप सिंपली यहाँ पर जो है 4:3 कर सकते हो। 4:3 करने के बाद ये जो ऑप्शन है इसमें डबल टैप करना होगा। इसमें टैप करने के बाद यहाँ पर जो आपको सिंपली जो XML फाइल है इसे आपको सिलेक्ट करना होगा। सिंपली यहाँ पर जो इसमें टैप करना होगा। हमने यहाँ पर जो डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड किया था, तो सिंपली इसमें टैप करने के बाद ये जो XML फाइल इसे सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस के ऊपर ये जो फाइल यहाँ पर जो है लोड हो गया है, इम्पोर्ट हो गया है। कुछ इस तरह से आप जो है XML फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हो। नंबर बात कर लेते ये जो XML फाइल है इसमें क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। जब भी आप फोटो क्लिक करोगे किस तरह से आपको फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो स्किन टोन है उसे फिक्स किया गया है, आपको यहाँ पर बेटर स्किन टोन देने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है उसमें इम्प्रूवमेंट देने को मिलता है। Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के साथ फ्रंट कैमरा के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट देने को मिल जाएगा इस XML फाइल के साथ। प्लस यहाँ पर जो आपको फोटो के ऊपर जो कलर देने को मिलेगा, ऑलमोस्ट सभी टाइम आपको जो है पर सिमिलर कलर देने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देने को मिल जाएगा, आपको ज्यादा अच्छा जो है पर गूगल कैमरा के साथ जो है फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा इस XML फाइल के साथ। इसके अलावा यहाँ पर जो ब्यूटी मोड का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है, अगर आप ब्यूटी मोड को यूज करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर जो स्टॉक कैमरा को यूज करो। अगर बात करें यहाँ पर जो है ये जो XML फाइल है इसमें यहाँ पर जो है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर जो है यहाँ पर जो ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन है बैक कैमरा के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो है बंद कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस की अगर बात करें उसके साथ भी आपको काफी बढ़िया फोटो के ऊपर जो है इंप्रूवमेंट देने को मिलेगा इस XML फाइल के साथ। तो यहाँ पर जो है ऑटो वाइट बैलेंस मोड को अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो है बंद कर सकते हो और कुछ कुछ टाइम जो ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आप डिपेंड करते हैं आप किस तरह से यहाँ पर जो है फोटो को क्लिक करना चाहते हो। एंड इस तरह से इस XML फाइल के साथ जो इसमें ऑप्शंस को ऐड किया गया है। ये जो गूगल कैमरा का जो बिल्ड है तो बेस्ट GCam के बिल्ड है, क्योंकि इस गूगल कैमरा के लिए जो ढेर सारी XML फाइल अवेलेबल है अलग अलग डिवाइस के लिए, जो काफी बढ़िया बात है। अब सिंपली यहाँ पर जो है आपके डिवाइस के लिए XML फाइल को आप जो है इम्पोर्ट करके ट्राई करके देखो। इस तरह से आप जो बहुत ही ईजिली जो है XML फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हो कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस के साथ। एंड इस तरह से इसमें जो सीरीज से ऐड किया गया है यहाँ पर इस GCam के साथ जो है पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर 8K 60fps का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। डेफिनेटली ये जो ऑप्शन है Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro Max के साथ काम नहीं करता, क्योंकि 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सपोर्ट है देने को नहीं मिलता है। प्लस यहाँ पर 8K 60fps के साथ भी वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। डेफिनेटली आपके डिवाइस पर 8K 60fps के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सपोर्ट होना चाहिए। इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन है पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम करता है। यहाँ पर जो है माइक्रो लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है अल्ट्रा वाइड लेंस का जो ऑप्शन से काम करते हैं और पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है। अब मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ भी काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। अब सिंपली यहाँ पर जो है अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ जो है यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है नाइट साइड मोड के साथ भी यहाँ पर जो है अल्ट्रा वाइड लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है।
पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ यहाँ पर फोकस का ऑप्शन है, ऑटो नियर फार इन्फिनिटी ऐसे भी ऐड किया गया है, फेस रिटचिंग का ऑप्शन है, एच डी आर मोड का ऑप्शन है, एच डी आर एनहांस मोड का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस नाइट मोड का ऑप्शन है, बट टाइमर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है 4:3 16:9 का ऑप्शन है। कैमरे के ऊपर भी आपको सिमिलर ऑप्शन देने को मिल जाएगा, पर जो कैमरा के साथ भी आप जो है मैनुअल फोकस को एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर पोर्ट्रेट मोड कैमरा प्लस पर नाइट साइड मोड के साथ भी आप जो है मैनुअल फोकस को एडजस्ट करने का जो ऑप्शन से काम कर जाए काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम करते देख सकते हैं, बट वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ। यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस यहाँ पर 30 FPS 60 FPS का ऑप्शन है। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ भी यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम करते हैं काफी बढ़िया बात है। प्लस यहाँ पर जो वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ भी, यहाँ पर जो वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर रहा है पर अल्ट्रा वाइड लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। नंबर पर बात कर लेते हैं स्लो मोशन के बारे में, यहाँ पर जो स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम कर रहा है पर 1/8x का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर काफी बढ़िया बात है। तो पर स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम कर रहा है पर 1/4x की अगर बात करें तो यहाँ पर 1/4x का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा काफी बढ़िया बात है। तो पर 1/4x का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, तो पर स्लो मोशन का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर रहा है। अगर बात करें टाइम लैप्स के बारे में, यहाँ पर टाइम लैप्स के ऊपर 1x 5x 10x 30x 120x का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर टाइम लैप्स मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस पर पैनोरामा एंड फोटो एस्पर मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आप 360 फोटो क्लिक करना चाहते हो, जो फोटो एस्पर मोड का जो ऑप्शन से काफी यूजफुल ऑप्शन है, इस ऑप्शन के साथ आप सिंपली 360 फोटो को क्लिक कर सकते हो। प्लस पर जो पैनोरामा का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस गूगल कैमरा के साथ। यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है, सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस को ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है इसी ऑप्शन से यहाँ पर जो है स्मार्टफोन के ऊपर जो है यहाँ पर Xiaomi, Pixel, Samsung, OnePlus ऐसे भी ऑप्शन से यहाँ पर GPG क्वालिटी को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, फ्लैश मोड को ऐड किया गया है, डिले आफ्टर फोकस का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है, बट डिजिटल जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस गूगल कैमरा के साथ। पर ऑटो नाइट सेट मोड का ऑप्शन है, फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, फोटो के साथ काम करता है, पर मोशन फोटोज का ऑप्शन है, पर जो लाइव फोटोज और यहाँ पर जो टॉप शॉट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर बैक कैमरा एंड मल्टीपल लेंस को अलग अलग ऑप्शन है, पर इमेज प्रोसेसिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर जो इसी भी ऑप्शन अवेलेबल है, ढेर सारे ऑप्शन को ऐड किया गया है इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर, प्लस मॉडल के ऊपर पिक्सल एक्सएल पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल 4 पिक्सल 5 का ऑप्शन है। यहाँ पर एच डी आर एनहांस फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन, अगर आप एच डी आर एनहांस फ्रेम को इंक्रीज करोगे फोटो के साथ काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा। पर सस्ता फैक्टर का ऑप्शन है, पर मार्च का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर जो है एस्ट्रो ऑप्शन के ऊपर ए सी वी ऑप्शन से पर एस्ट्रो मैक्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर ए सी वी ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से इसे भी ऐड किया गया है, रॉ फॉर्मेट फॉर एच डी आर मोड का ऑप्शन है, पर मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड इस तरह से इसे भी जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है इस गूगल कैमरा के साथ। प्लस पर जो कैमरा साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, गूगल लेंस का जो शायशान है ऐड किया गया है, सेफ सेल्फी सेस रिव्यू का ऑप्शन है, पर जो मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर सेफ लोकेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सोशल शेयर का जो ऑप्शन से आप डायरेक्टली जी कैम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो इसमें ऐड किया गया है, वर्गेशियस का ऑप्शन है, सिंपली डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन के साथ फोटो को क्लिक कर सकते हो, पर जो वॉल्यूम बटन के साथ यहाँ पर जो शटर बटन का जो ऑप्शन से काम करते हो, पर डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख पाओगे कितने मिनट तक फोटो क्लिक कर सकते हो, कितने मिनट तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, कितने मिनट तक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, प्लस फोटो क्लिक कर सकते हो कितना तक, यहाँ पर डिवाइस स्टोरेज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एडवांस सेटिंग्स के ऊपर एच डी आर कंट्रोल का ऑप्शन है, रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस तरह से इस ऑप्शन से, यहाँ पर फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, ग्रिड टाइप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, 3:3 4:4 का ऑप्शन है, पर ई आई एस का ऑप्शन है, पर ओ आई एस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर 4K 60 FPS का ऑप्शन है, प्लस पर जो है 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर 8K 60 FPS का ऑप्शन है, ऑफकोर्स आपके डिवाइस को 8K 60 FPS का जो है सपोर्ट होना चाहिए, पर फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी काम कर जाएगा। इस तरह से जो डेवलपर सीरीज को ऐड किया गया है, डेवलपर सीरीज के साथ जब नया नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं है, किस तरह से डेवलपर सीरीज के साथ नया नया फीचर्स को एनेबल करते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, सिंपली गूगल कैमरा का जो
प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अलग अलग गूगल कैमरा का जो वीडियो ट्राई करके देखो। रिसेंटली हमने जीकैम 8.7 का जो फास्ट लुक का जो वीडियो अपलोड किया है उसे आप जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। ये जो गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट हो एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13 के साथ भी काम कर जाएगा। रेडमी, शाओमी, पोको, सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, वीवो सभी डिवाइस के साथ ये जो जीकैम का चिपिलिटी काम करते हैं। जरूर से इस गूगल कैमरा को ट्राई करके देखना। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।